नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में विपक्ष का बहिष्कार। दरअसल मुजफ्फरनगर जिला पंचायत की बोर्ड बैठक इस बार भी हंगामा खेज रही है। विपक्षी दल के सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों पर मनमाने ढंग से कार्य करते हुए विपक्षी सदस्यों के क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी करने के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। तानाशाही के चलते विपक्षी सदस्यों के क्षेत्र वाले 150 गांवों में विकास कार्य नहीं कराए जाने का आरोप लगाकर नेता प्रतिपक्ष सत्येंद्र बालियान के साथ विपक्ष के 13 सदस्यों ने बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार किया और सदन से उठकर बाहर निकल गए। प्रस्ताव तो पड़ गया, बता गया कि ना आठ प्रस्ताव थे। हाँ, वो उन प्रस्तावों को पास किया और पिछली जो बैठक में हमारी कार्रवाई थी उसकी पुष्टि हुई। कुछ लोग तो घुसने गए जो पहली बैठक में हुआ था, वो इस बैठक में कोई विशेष नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आपने देखा कोई नाराजगी? ये तो ये कि बैठना चाहिए, अधिकारियों से बात करनी चाहिए, हमसे करनी चाहिए। कुछ शिकायत हो तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण करनी चाहिए। हमारे मेंबर साहब खड़े रहे, सब यही है। कोई एक दो मेंबर चले गए उठ के, तो एक उनका सिस्टम है करने का, चले गए। कोई बात मैं उनके प्रति कुछ नहीं कहना चाहता। अभी राशि के बारे में तो बताएंगे, राशि के बारे में तो नहीं बताते। अभी 8 प्रस्ताव, उसमें 5 विशेष प्रस्ताव भी है, शुक्रताल का भी उसमें कुछ विषय आया हुआ। कौन सा काम है मुख्य रूप से क्या? ये तो यही जो हमेशा हुआ कर, सड़कों का काम है, नालों का काम है, जो निर्माण कार्य हो उनके प्रस्ताव है। जिले के गौशाला का जो काउ सेंचुरी बन रही उसमें प्रस्ताव है, उसमें पुलिया और मार्ग का निर्माण हो रहा है, उसमें ये जिला पंचायत की तरफ से है। आपको पता होगा, मैंने जानबूझ के पूछा, महिला सदस्य कोई बात हो उनके बारे में भी काम है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। सबके वार्डों में काम है ना, महिलाओं को तो मैंने इसलिए दिया था। महिला बोले, उन्हें बताया मेरे वार्ड में काम नहीं, आप यहाँ से ले लियो, मैं आपको दे दूंगा। उनके 43 के 43 वार्डों में काम है, कोई वार्ड ऐसा नहीं जिसमें काम ना हो, इसलिए मैंने बोलने को कहा। कुछ राजनीति में भी तो ना, ऐसा तो होना चाहिए, राजनीति के चलते भी बोले ना।